तेज तूफान और बारिश के चलते कुंभ मेले की तस्वीर ही बदल गई। तेज तूफान ने टेंटों को उखाड़ फेंका तो वहीं बिजली के खंभे भी लोगों के ऊपर उखड़कर जा गिरे। बिजली के खंभे गिरने से एक महिला सहित दो लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। निर्मल राजपूत, पत्रिका टीवी, मथुरा। सर, आंधी तूफान की वजह से कुंभ मेले में कितना नुकसान हुआ है और क्या लोग भी घायल? आज शाही स्नान था, काफ़ी सारी भीड़ थी और शाही स्नान सकुशल संपन्न हुआ। उसके उपरांत काफ़ी तेज हवाएं और आंधी और बारिश की वजह से कुछ गेट्स जो थे खालसाओं के वो गिर गए और कुछ हमारे बिजली के जो पोल्स थे वो गिर गए हैं। तो काफ़ी अभी मेले के अंदर लगभग 12 से 13 पोल्स गिर गए हैं, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुई है। SSP महोदय और DM महोदय के द्वारा ये अवगत करा दिया गया है कि लाइट जो है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर कर दिया जाए और जितने भी जो होल्डिंग अनसेफ लगे हुए जो गिर गए हैं उनको भी नगर निगम की टीम अभी लगी हुई है, ऑन स्पॉट सभी लोग हैं और उनको भी क्लियर कराया जा रहा है। जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं उनको भी क्लियर कराया जा रहा है और अभी फिलहाल जो है हमने हर पॉइंट के ऊपर जो ड्यूटी जो है डिप्लॉय कर दी है। नोडल अधिकारी जो मेला है वो भी अभी भ्रमण पे हैं, तो सब जगह पे ड्यूटी पॉइंट जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व मेले के अंदर प्रवेश ना करने पाए। और जितनी हमारी जो आस्का लाइट्स हैं, जो वैकल्पिक एक विद्युत व्यवस्था है, उसको भी कराया जा रहा है ताकि हर जो हमारे इंटरसेक्शन हैं उनके ऊपर हम आस्का लाइट रखें और रोशनी का प्रबंध कर पाए। कितने लोग हैं? हाँ सर, कुछ बड़े बड़े शिविरों के गेट भी गिरे हैं। हाँ, लगभग 4-5 जो बड़े गेट थे वो हवा की वजह से गिर गए हैं, कुछ होल्डिंग जो बड़ी लगी हुई थी मेला के अंदर वो भी गिर गई हैं, तो उनको सबको अभी क्लियर कराया जा रहा है। कुछ तो घायल? नहीं, घायल की कोई हमारे पास कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है। एक 70 से 80 साल की जो एक महिला थी वो थोड़ी शॉक में थी, तो उनको 100 बेड हॉस्पिटल फर्स्ट एड दे करके भिजवा दिया गया है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार वो बिल्कुल ठीक है और कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई।